केमिस्ट्री वन का न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड बफर्स। लास्ट टाइम हमने क्या था, इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड बफर्स। हम जैसे पहले भी प्लस वन और प्लस टू में हमने एसिड बेस के बारे में स्टडी किया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। से आज वही हम स्टडी करेंगे। अब हम फर्स्ट है एसिड एंड बेस। फर्स्ट हम करेंगे एसिड की डेफिनेशन। एनी सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट, जैसे सिरका, टेस्ट लाइक लेमन, डिसोसिएट टू गिवन
एच अलग हो गया और सी एल अलग हो गया। आईएनएस के अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिलकर जो हाइड्रोजन आयन्स है, ठीक है, वो अलग और क्लोराइड आयन्स अलग हो जाए, उनको डिसोसिएट करे, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, एसिड। जैसे HCl को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे इधर निकल गए और बच क्या गया, क्लोराइड, वो है हमारा एसिड। एसिड बेस क्या है, जो हाइड्रोक्सी आयन्स प्रोड्यूस करे, जो हाइड्रोक्सी आयन्स है वो डिसोसिएट करे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्सी आयन व्हेन गिवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस में क्या हाइड्रोक्सी आयन होते हैं और जो है एसिड में हाइड्रोजन आयन्स वो होते हैं। अब बेस में जो हाइड्रोक्सी आयन है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमने जब NaOH को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो इसमें क्या OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन हो गए अपने OH और जो सोडियम है वो अलग अलग हो गए। इसमें जो हाइड्रोक्सी आयन है वो हमारे क्या अलग हो गए और सोडियम अलग हो गए। इसमें तो हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हो गए अपने एसिड। जो हाइड्रोक्सी आयन्स को डिसोसिएट करते हैं वो हो गए हमारा बेस। इसमें क्या अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन, अब ये तो एसिड और बेस की थी, अब अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है हमारे पास एसिड और बेस की, तो उसमें क्या हमें पता चलता है, इस आयन्स ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दीज टू आयन्स H पॉजिटिव हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन जो आयन है जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ए सॉल्वेंट। जैसे अब यहाँ पर हमने पहले एसिड ले लिया HCl प्लस एसिड, बेस ले लिया हमने NaOH, उसमें अगर सॉल्वेंट
लॉस ऑफ प्रोटॉन, जो एसिड में कंजुगेट बनती है उसमें क्या लॉस होता है प्रोटॉन का, और बेस में क्या होता है वो हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। डोनर का भी मतलब लॉस, एक्सेप्ट मींस गेन करना। अब हमने इसकी रिएक्शंस क्या, एसिटिक एसिड है इन वाटर, जो एसिटिक एसिड है उसको हम वाटर में कैसे रिएक्ट करवाएंगे और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एसिटिक CH3COOH हो गया प्लस वाटर बेस हो गया,
proton transfer. But although it is true that most common acid जो ज़्यादा acid थे हमारे वो protonic acid nature के होते हैं. जो ज़्यादातर हमारे acid होते हैं वो protonic nature के होते हैं. ठीक है, yet there are many which are not. और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो protonic nature के नहीं होते. वो इनको भी explain नहीं कर पाए जिनका protonic nature नहीं है. वो जो एसिड्स है फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, फिर वो कैसे आगे फर्दर रिएक्शंस करेंगे, वो इन दोनों चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, इसलिए जो इनका जो ये कंसेप्ट है ये यहीं पर ही रह गया. नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारे तीन कंसेप्ट में इसमें है, एक आरिनियस कंसेप्ट हो गया, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, थर्ड है हमारा लुईस कंसेप्ट. थर्ड वाला इसमें कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम. Thank you.
ठीक है, इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे क्रॉस लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे BF3 है वो क्या एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे दो दो चार छह है, आठ चाहिए, ठीक है, छह है, तो इसलिए क्या करेगा, उनसे एक जो लोन पेयर है वो ले लेगा, इससे एक पेयर ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स का। एंड लुईस एक्ट एज, जो लुईस एसिड है ये क्या होगा, NH3 हो जाएगा। लेक्चर यहीं पर ही जो है वो फिनिश हो गया।